अच्छा मैं अब जो है इस हाथ में इसको पकड़ के करूँगा ताकि आपको सही से दिखाई दिया जा सके, ताकि वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो सके। ठीक है, बर्ड को आपने ऐसे पकड़ लेना आराम से बिल्कुल, ठीक है। और ये इसकी थाई है, इसकी थाई को आपने किया हल्का सा, और ये अप्लाई कर दी हल्का सा, और अब इसको आपने रब कर देना ऐसे बिल्कुल आराम से। कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद रजा अली शाह और आप देख रहे हैं कॉस्मिक एक्जोटिक बर्ड्स कॉर्नर। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपके साथ आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे लेडी गोल्डियन की डिजीज़ के बारे में। लेडी गोल्डियन की सबसे कॉमन डिजीज़ एयरसेकमाइट, जिसके हवाले से मैंने एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी लोगों को मसले मसाइल आ रहे थे कि एयरसेकमाइट के हवाले से बात करें, एयरसेकमाइट जो है वो लेडी गोल्डियन को क्यों होता है और उसकी क्या वजूहत हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए कि एयरसेकमाइट से जो है वो लेडी गोल्डियन को बचाया जा सके। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं अपनी लेडी गोल्डियन को वैसे भी जो है एयरसेकमाइट का ट्रीटमेंट करने जा ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जो कि न्यू फैंसियर्स के लिए कारामा साबित हो। तो हम बात करेंगे एयरसेकमाइट के हवाले से भी, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन भाइयों दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन सामने नज़र आ रहा होगा, तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एयरसेकमाइट होता क्या है और एयरसेकमाइट किन वजूहत से होता है। तो एयरसेकमाइट जो है एक ऐसी डिजीज़ है जो आम तौर पर बर्ड के बैरूनी हिस्से पर जाहिर नहीं होती। मतलब आप बर्ड को देखेंगे तो आपको कोई ज़ख़म कहीं पे नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसी अलामत नहीं नज़र आएगी बाहर से कि आप समझ सको कि यार इसको जो है ना कोई डिजीज़ हुआ है। ये एक अंदरूनी बीमारी है जिसका ताल्लुक रिस्पायरेटरी सिस्टम से है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सांस लेने के अमल को कहा जाता है। मतलब कि एक आपकी जो बर्ड की जो सांस की नाली होती है उसमें एक ट्रैकिया एक पॉइंट होता है जो कि डायरेक्ट जो है लंग्स की तरफ जाता है, जो एक मेन पॉइंट होता है। ये एयरसेकमाइट जो है ये सीधा उस ट्रैकिया पॉइंट में जाके बैठ जाता है, ठीक है। इसके कुछ ज़र्रात जो है वो आपके लंग्स की तरफ भी चले जाते हैं और ये ट्रैकिया को बिल्कुल डैमेज कर देता है, यानी कि बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो है बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ कोई भी जानदार हो अगर वो सांस नहीं लेगा तो वो मर जाएगा, तो उनको बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो बात यहाँ आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो होता कुछ यूँ है कि बर्ड जो है वो मुँह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है, ठीक है। आप उसको देखेंगे कि वो उसने मुँह खोला हुआ है और मुंह खोल के वो सांस ले रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये कि वो जो है कफिंग करेगा, उसको खांसी आएगी बार बार, वो हर एक मिनट बाद या डेढ़ मिनट बाद आधे मिनट बाद वो खांसेगा, ठीक है। एक अलग तरीके की खांसी होगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। जब बर्ड आपका ये करना शुरू कर दे तो इसका ये मतलब है कि आपके बर्ड को एयरसेकमाइट ने अटैक कर दिया है। तो आपने फिल फॉर क्या करना होगा जब आप ये अलामात उसमें देख लें। इसके अलावा जो है बर्ड का खाने पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता, ठीक है। बर्ड पे जो है ना कमज़ोरी सी आ जाती है, बर्ड बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और बिल्कुल उसमें सीप का मर्ज़ भी नुमाया हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बिल्कुल जानलेवा मर्ज़ है। तो आपने इससे बचाव के लिए क्या करना होगा कि जब आपने ये सारी अलामात उसमें देख ली, अच्छा ये मर्ज ऐसा है, ये डिज़ीज़ ऐसी है कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड में मुंतकिल होती है। कैसे? जब बर्ड खांसेगा तो उसके मुंह से जो है ना वो जो है कुछ रेशे वगैरह निकलेंगे, जो साथ में अगर पेयरिंग आपने की हुई है मेल को है तो उस मेल से फीमेल को चला जाएगा। मेटिंग के सीज़न में भी जो है वो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बर्ड आपने एक ही बर्तन रखा हुआ है एक पेयर के लिए, तो बर्ड पानी पिएगा, एक बर्ड जिसको एयरसेकमाइट है, उसके बाद जब वो दूसरा बर्ड पानी पिएगा तो वो जाहिर सी बात है उसका झूठा पिएगा तो उसमें भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस बर्ड में ये प्रॉब्लम है आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल अलग कर देना है, हो सके तो शेड से ही बिल्कुल उसको आउट कर दें, क्योंकि जब वो खांसेगा तो एक बर्ड से वो दूसरे पोर्शन में जाते हुए भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि एक जब आपने जो है वो बर्ड को
अलग उसमें केज में शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है कि एक प्रोडक्ट आती है पीटा फॉर्म की, स्कैट, ये आपको कैमरे में दिखाई दे रही होगी, स्कैट, ठीक है। अच्छा, ये जो है बिल्कुल प्योरली जो है एयर सेक माइट के लिए बनाई गई है, ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है ये, और ये तकरीबन 50 ml है। ये मैंने तकरीबन 7 से 8 मंथ पहले जो है वो मंगवाई थी, तकरीबन मुझे पड़ गई थी 2500-2600 रुपये की, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये की होगी होगी। लूज़ पैकिंग में अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, वैसे लूज़ पैकिंग में ये मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये प्रोडक्ट क्या है कि ये आपने जो है उनको उसके बैरूनी हिस्से पे, उसके थाई पे लगानी है, बर्ड की अपनी गोल्डियन के थाई पे लगानी, क्योंकि थाई की जो थोड़े से थाई के ऊपर ना थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त होता है, तो इसका बिल्कुल एक कतरा जो है ना वो थाई पे लगाना है, और उसके बाद 21 दिन तक आपने दोबारा इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि स्कैट लगाने के बाद अगर आपने किसी पेयर को स्कैट लगाई तो 15 से 16 दिन तक अगर तो वो साथ रहेंगे और एग देंगे तो वो एग्स में फर्टिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए जब आपका ऑफ सीज़न हो या जब बर्ड को मसले मसाइल आए तो तभी आपने ये यूज़ करनी है। ये नहीं कि जो बर्ड आपका ब्रीडिंग पर है और उसको मसला है भी नहीं और आप कह रहे हैं कि यार मेरा एक शेड्यूल चल रहा है, तो आपने तब ब्रीडिंग सीज़न में जब बर्ड आपका ब्रीड कर रहा है तो तब आप ये बर्ड मेरे देख रहे होंगे, ये वो बर्ड है मेरे पास, इसमें तकरीबन 4 जो है वो बच्चे हैं 45 दिन के जो अभी सेल्फ हो चुके हैं, तो मैं उनको इस वजह से लगा रहा हूँ कि वो अभी सेल्फ हो गए हैं, तो अभी उनको ताकि आगे उनको इस तरह का कोई मर्ज़ अटैक ना करे, और जो बाकी हैं उनको अभी या तो मैंने न्यू पेयरिंग की हुई है या वो अभी ब्रीड पर नहीं आया, अभी उन्होंने मोल्ड अपना क्लियर की है, अभी ब्रीड पर नहीं आए, तो मैं इस वजह से उनको लगा रहा हूँ। जो 2 पेयर मैंने छोड़े हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं उनको लेकर नहीं आया, ठीक है। इन सबको मैं अभी स्कैट लगाऊंगा, आपको बारी बारी लगा कर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है ताकि आपकी हर तरह का जो आपका जो दिमाग में इश्यूज चल रहे हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो वन बाय वन मैं अभी शुरू करता हूँ, एक बर्ड को निकाल के आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने एक ये पीस निकाल दिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये येलो गोल्डियन का 45-50 डेज का बच्चा है, ठीक है। ये इसका साइज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा, करीब से भी आप देखें इसके स्टार्स भी आपको दिख रहे होंगे, 2 स्टार्स इसके नज़र आ रहे हैं चोंच के साथ। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि जब आपके पास चिक्स आ जाएं गोल्डियन के, अक्सर मोर्टेलिटी देखने को मिली है कि लोगों के पास गोल्डियन के चिक्स बड़े होकर मर रहे होते हैं, ठीक है। तो लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। एक और मसला आता है गोल्डियंस का कि जब फोस्टरिंग पे आप लोग डालते हैं तो उनको फोस्टरिंग की उससे फोस्टरिंग पेयर से उनके अंदर जर्म्स आते हैं, तो उसके लिए भी मैंने इनको एक कोर्स अप्लाई करवाया है रोनीवे 12% का और साथ में प्रोबायोटिक दिए। उसके बाद अब मैं जो है इन पे स्कैट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 21 दिन के बाद आपने अगर आपके बर्ड का, मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक हो, ठीक नहीं होगा, 21 दिन तक वो ठीक हो ही जाता है, एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद अगर उसको मसला है तो 21 दिन के बाद आपने दोबारा अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने पकड़ लिया इसको, आपने इसको बिल्कुल आराम से पकड़ लेना है, ठीक है, ऐसे। और ये जो थाई है ये आप देख रहे होंगे, ये थाई है बिल्कुल, यहाँ से आपने बाल हटाने, और ये अच्छा बिल्कुल आराम से आपने ढक्कन खोलना है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर एक सुराख किया हुआ दिख रहा होगा आपको, जाके छोटा सा सुराख किया हुआ ताकि एक ही कतरा इसमें से निकल सके। अब मैं क्या करूँगा कि एक हाथ से ये मैंने इसकी ये टांग पकड़ी हुई है, ठीक है, और ये मैं अप्लाई कर दूँगा इसकी टांग पे बिल्कुल एक कतरा। अच्छा, मैंने इस पर एक कतरा अप्लाई कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूँगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा गीला गीला हो गया, ठीक है, हल्का सा मैंने इसको रब कर देना है और फिर उसके बाद मैंने इसको वापस छोड़ देना है। अच्छा, जैसे कि ये अभी 3 है ऐसे, तो ये मिक्स हो जाएंगे, तो मैं पहले इसको अलग कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं इसके साथ वालों को साथ में मिलाऊंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ब्लू की फीमेल है और माशाल्लाह से आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं, आपके सामने है माशाल्लाह बेहतरीन, शायद हाथ में पकड़ने से पता चलता है। इसके कलर्स देखें, ये मेरी होम ब्रीड है और अभी मैंने इसकी पेयरिंग नहीं की है, तकरीबन ये 8 महीने की हो चुकी है, तो 8 महीने के बाद ही आप पेयरिंग करें ताकि एग बाइंडिंग के इश्यूज आपके बर्ड में ना आए, ठीक है।
तो आज मैं इसको अप्लाई करूंगा। जब ये 45 दिन के हुए थे तो तब मैंने अप्लाई किया था, फिर उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो आज ज़रूरत पड़ रही है। आज मैंने सोचा कि सबको लगा ही दूं, तो बस ये इस तरह आपने एक कतरा अप्लाई कर देना, थोड़ा सा उसको रब किया आराम से। इसी तरह हम वन बाय वन जो है तकरीबन सब पे अप्लाई करेंगे। मैं एक और पीस निकाल के आपको जो है अप्लाई करवा के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक हेड है जो कि दिखता ग्रे है लेकिन होता ये ब्लैक है। पर्पल चेस्ट है, डाइल्यूट बैक है इसकी माशाल्लाह से, जावेद सुजीला ब्लड लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जिस ब्रीडर के पास से ये बर्ड आया है माशाल्लाह, आप नामी गिरामी आप सब जानते ही हैं उनको, तो उन्होंने यकीनी तौर पे जो है वे इसको वैक्सीनेशन करवाई होगी, लेकिन मेरे पास आए हुए अभी तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, तो मैं ऐसे जो है इन सब के साथ ही करूँगा ताकि मैं एक ही डेट में मेंशन कर सकूँ। अच्छा, मैं अब जो है इस हाथ में इसको पकड़ के करूँगा ताकि आपको सही से दिखाई दिया जा सके, ताकि वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो सके, ठीक है। बर्ड को आपने ऐसे पकड़ लेना आराम से बिल्कुल, ठीक है। और ये इसकी थाई है, इसकी थाई को आपने किया हल्का सा, और ये अप्लाई कर दी हल्का सा, और अब इसको आपने रब कर देना ऐसे बिल्कुल आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। हल्का सा एक कतरा निकलेगा वो आपने अप्लाई कर देना थाई पे इसकी, और बस और कुछ भी नहीं है। और इस तरह से आराम से ये तमाम मेडिकेशन पूरी हो जाएगी। तो इसको करते करते जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी भाई के साथ ये प्रॉब्लम आती है और वो न्यू फैंसियर है, तो वो ये ट्रीटमेंट करके अपने बर्ड को बचा सकता है, क्योंकि ये एयर सैक मैट जो जानलेवा मर्ज है। क्योंकि जब सांस की प्रॉब्लम आ जाती है बर्ड में, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बर्ड का सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास जितने भी बर्ड हैं, आपने क्या करना है कि जब भी इसकी आपने फोस्टरिंग करवानी है, तो फोस्टरिंग में आपने इस बात का याद दहानी करनी है कि आपने फोस्टरिंग पेयर्स को जो है वो कोर्स करवाना है रोनीवेट का, रोनीवेट 12% का 4 दिन का। फिर आपने 2 से 3 दिन उनको प्रोबायोटिक देनी है, तकरीबन 5 से 6 दिन का ये कोर्स होता है। उसके बाद आपने उनको सादे पानी पे लगा देना है, ठीक है। और आप जो भी वाइटामिन्स या मिनरल्स जो भी देते हैं वो आप उसके बाद में, ये कोर्स आपने लाजमी करवाना है ताकि आपके पास बर्ड सर्वाइव हो सके। फिर उसके बाद आपने जो है इन सबको गोल्डियंस को, खास तौर पर सिर्फ गोल्डियंस को आपने स्कैट अप्लाई कर देना है। आजकल मॉक्सीवेट भी चल रहा है जो कि पानी में डाल के देते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने अप्लाई की है जिससे मुझे जो है फ़ायदा हासिल हुआ है, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। सुनी सुनाई बात पे मैं नहीं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने स्कैट यूज़ किया है, और भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं जो स्कैट यूज़ करते हैं, उनको स्कैट से फ़ायदा हासिल हुआ है। तो इसलिए मैं स्कैट का ही आपको मशवरा दूंगा, आप स्कैट लगाएं अपने बर्ड्स को ताकि आपके बर्ड जो है मज़ीद सर्वाइव कर सकें, और जो है आपको किसी किस्म के मसले मसाइल ना आए, ठीक है। 21 दिन का टेन्योर होता है, 21 दिन के बाद आपने जो है दोबारा से स्कैट अप्लाई कर लेना है। तकरीबन साल में जो है आपने 3 दफ़ा इनको जो है ये कोर्स करवाना होता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने ब्रीडिंग सीज़न में, देखें ये ब्रीडिंग सीज़न में भी मसले आ सकते हैं, जब ब्रीडिंग सीज़न में जब बर्ड के साथ मसला है आपने सिर्फ तभी अप्लाई करना है इसको। ये नहीं कि ब्रीडिंग सीज़न में भी आपने बोला कि नहीं भाई मैंने वीडियो देखी थी, 21 दिन के बाद मुझे अप्लाई करना था, मुझे फ़लाने ने बताया था, तो मैं जो, आपने जब ब्रीडिंग सीज़न में करेंगे तो अनफर्टिलिटी के इश्यूज आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने ब्रीडिंग सीज़न गुजरने देना है, उसके बाद बर्ड जो अपनी जो है मोल्ड क्लियर कर देगा। मोल्ड के दौरान भी बर्ड को जो है ये मसले मसाइल आ जाते हैं, मोल्ड अपना क्लियर करे, मोल्ड क्लियर करने के बाद आपने जो है वो स्कैट अप्लाई करवा देनी है इनको, ताकि जो है फ्यूचर में आपने देखा कि भाई मोल्ड, क्योंकि जब बर्ड मोल्ड क्लियर करता है ना तो फ़ौरन ही बर्ड जो है ब्रीडिंग पर नहीं आता, बर्ड जो है वो कुछ अरसे के बाद जाके जो है ब्रीडिंग पर आता है। तो मोल्ड क्लियर करें, आपके पास अच्छा मौका है, आप बर्ड को लें और उसको स्कैट अप्लाई करके अपने पास, अच्छा अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन किया करें जो भी आप मेडिकेशन करवाएं इनको, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने लास्ट टाइम इनको कब अप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, मैं जो है मैंने अभी जब से मैंने ये मेडिसिन मंगवाई है, जब मेरे बर्ड को मसला हुआ था मैंने तभी मंगवाई थी, ठीक है, मैं सच्ची बात आपको बताता चलूँ। तो जब मैंने ये अप्लाई करवाई तो मेरा बर्ड ठीक हो गया,
अभी मैं वो ब्रीडिंग पर है तो इस वजह से मैं लेकर नहीं आया, वो बर्ड मेरा ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है मेरे पास चिक्स आए, चिक्स मेरे मर गए कुछ, ठीक है, पूरा क्लच मेरे पास मर गया, मैं इंतहाई परेशान हो गया। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से पता किया कि मैंने कहा यार इसका क्या हल निकाला जाए, तो काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग मुझे बातें बताई, लेकिन उसमें से मैंने चंद एक बातें जो मैंने तहकीक की अपनी खुद भी नेट पर, तो मैंने रोनीवेट और प्रोबायोटिक दिया उनको। फिर उसके बाद मैंने स्कैट अप्लाई करवाया, तो मेरे पास उसके बाद से कोई मोर्टेलिटी नहीं आई। तो आप भी अगर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, अगर आपको ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आप जो है ये अप्लाई करें, ये कोर्स करवाएं उनको, रोनीवेट का, प्रोबायोटिक का, फिर उसके बाद स्कैट का, इंशाल्लाह आपके पास मोर्टेलिटी नहीं आएगी। मैं भी कोई उस्ताद नहीं हूँ, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए, अगर आप मेरी भी कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप कमेंट्स में जो है मेरी तसहीह कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे लेडी गोल्डन के हवाले से, एग्जॉटिक फिंचेस के हवाले से, या किसी भी बर्ड्स के हवाले से मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय अपनी दिया करें, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे गौर कर सकूं और उन पे आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो वीडियो जब तक प्रैक्टिकल ना होना, तो तब तक वीडियो समझ नहीं आती, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद भी इसी में ही है कि आप, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, तो तभी आपको समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों के लिए लाता रहूँगा। अपने होस्ट सैयद रज़ा अली शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।